Good morning, students. In previous classes, we discussed about the cloth and what are the materials for cloth. But today, I discuss about the types of fibers. There are two types of fibers: natural fibers and synthetic fibers. अब natural fibers को दो भाग में बांटा गया है, plant fibers and animal fibers. But synthetic fibers are different types, such as nylon, polyester, terephthalate, rayon, terephthalate, polycord, etc. ठीक है? अब what is natural fibers? Natural fibers क्या है? तो the fibers which are obtained from plants and animals. वैसे फाइबर्स जिसको हम लोग प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. जैसे कॉटन, कॉटन कॉटन प्लांट से मिलता है, लाइनिन, वूल, सिल्क, ये सभी जो है ये दो प्लांट फाइबर है और वो दो एनिमल फाइबर्स है. ओके, अब ये हम लोग कहेंगे कि सर आप प्लांट तो ये कॉटन तो कॉटन प्लांट से, लाइनिन किससे मिलता है? तो लाइनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट. फ्लैक्स प्लांट से लाइनिन मिलता है. वूल किससे मिलता है जानते हैं आप लोग, सिल्क किससे मिलता है. आगे है सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो द फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्टेन इन फैक्ट्रीज, जिसको फैक्ट्री में ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, जिसको केमिकल सब्सटेंस के द्वारा फैक्ट्री में ऑब्टेन किया जाता है, उसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. एग्जांपल नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, एटीसी. नाउ अब प्लांट फाइबर किसको कहते हैं और एनिमल फाइबर किसको कहते हैं? प्लांट फाइबर्स, द फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम, द फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स are called plant fibers. Example, आप जानते हैं कॉटन हो गया, लाइनिन हो गया, एनिमल फाइबर. The fibers which are obtained from animals. Example में wool, silk, ये जो है plant fiber और animal fiber हो गया. That means जो fiber plant से obtained करते हैं उसको प्लांट फाइबर, और जो फाइबर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसे एनिमल फाइबर कहते हैं. ओके,